सो वन सेकंड वेलकम बैक गाइस, और आज एक और नई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो जर्नी होने वाली है हमारी बेहद खास है, क्योंकि ये जर्नी है गुड़गांव से खाडू शाम तक की बाई बस होने वाली है, और बस वो भी लग्जरी एसी की है, और जो ट्रैवल एजेंसी है विकास ट्रैवल्स की तरफ से है, और बस दिल्ली से आने वाली है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तब तक आप एक बार वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दो, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सपोर्ट बनाए रखना, ऐसी वीडियो आने वाली होती हैं, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जर्नी कितने किलोमीटर, करीब 250 किलोमीटर अप्रॉक्स की जर्नी होने वाली है हमारी। और जो बस का फेयर है वो आगे बात करेंगे, कितना फेयर लगा है। मैंने सीट बुक की है, स्लीपर बुक नहीं किया उस बस में, तो देखते हैं कितनी देर में बस आने वाली है। फिलहाल बस का ही वेट हो रहा है क्योंकि 11:30 का हमारा टाइम है, लेकिन अभी बस ऑपरेटर से बात किया तो उन्होंने 12 बताया कुछ अप्रॉक्स। तो जैसे ही बस आती है हम आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। बस अभी तो फिलहाल आ नहीं रही, पता नहीं क्यों इतना लेट हो रहा है, लेकिन देखते हैं एक बार फिर से कॉन्टैक्ट करते हैं विकास ट्रैवल्स को और देखते हैं कितने बजे फिलहाल बस आने वाली है। तो फाइनली गाइस बस तो आ गई है, और करीब 12:15 का टाइम हो रहा है, बस थोड़ी लेट है पता नहीं क्यों, और फिलहाल लग गई यही विकास ट्रैवल्स की बस है गाइस। देख लीजिए बस तो काफ़ी ठीक है, मर्सिडीज बेंच का कुछ उन्होंने लोगो लगाया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बेंच नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है बस, तो देखने में अच्छी लग रही है, लग्जरी भी लग रही है। ये कुछ विकास ट्रैवल्स की लोग यहाँ पर दिख रहा है, लोगों भी पीछे से एक बार अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की दिख रही है, जो कि ठीक है। चलिए एक बार बोर्डिंग करते हैं हम, कुछ इस टाइप से दिख रहा है गाइस बोर्डिंग करते समय, और यहाँ पे इनका एंट्री भी ठीक है। अंदर दिखाऊं मैं आपको तो कुछ इस टाइप की बस दिख रही है, हर तरफ सीट नंबर आपको दिख जाएगा, आपकी जो भी सीट होगी आपने जो बुकिंग की होगी। हमारी जो सीट नंबर है वो 4 और 3 है, मेरे साथ एक दोस्त भी ट्रैवल कर रहा है मेरा, तो 3 और 4 में बैठने वाले हैं। तो ये सीट रही सामने, सीट की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल है, सामने भी सब ठीक ठाक, एक बोतल हैंडल वगैरह दिख जाता है, उस ऊपर की तरफ एसी का ब्लोअर दिख जाता है जिसे आप ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं, और एलईडी लाइट्स भी हैं कुछ, उनको भी आप ऑफ ऑन ऑन कर सकते हैं। विंडो पे कर्टेंस लगे हैं तो ये काफ़ी ठीक है, और सीट्स भी ठीक हैं, पुशबैक सीट्स हैं, तो कम्फर्टेबल सीट्स हैं, ऐसा नहीं है अनकम्फर्ट है, सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, एसी प्रॉपर चल रहा है, कवर में है। एक बार बस दिखाऊँ तो मैं आपको इस टाइप की कुछ बस दिख रही है, लाइटिंग अच्छी है, ब्लू कलर का लाइटिंग कॉम्बिनेशन भी मस्त है बस का, सब सो रहे हैं, और ऑलमोस्ट आई थिंक ये नीचे सीट है और बगल में स्लीपर है, तो फिलहाल तो बैठ जाते हैं, लेकिन एक बार देखते हैं। जैसे ही फाइनली डिपार्ट तो कर रखी है हमारी इफ्को चौक से बस, करीब 15 से 20 मिनट हो गई यहाँ पे खड़े खड़े डिपार्चर हुआ है अभी इफ्को चौक से। अभी जो दूसरा स्टॉप है इसका आई थिंक राजीव चौक पर लेगी ये दूसरा बोर्डिंग पॉइंट, गुड़गांव में 2 ही बोर्डिंग पॉइंट है, फिर नहीं है। सो गाइस फाइनली गुड़गांव वगैरह हमने क्रॉस कर दिया, और काफ़ी आगे बस निकल आई है अप्रॉक्स, और देखा जाए तो सब लोग सो रहे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई जग रहा है, सोने की ट्राई करते हैं, मैं भी सोऊंगा ही गाइस थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले मैं दिखा दूँ ये बस की रफ्तार जो कि भाग रही है काफ़ी स्पीड में। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार केविन राइड आपको ज़रूर दे दूँ उठ के, एक बार जाते हैं ड्राइवर के पास और केविन राइड लेते हैं। सो गाइस अभी बस रुकी है एक ढाबा पे जहाँ पे आप कुछ भी रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए, लेकिन टाइम अभी कुछ इतना रात हो रखी है, कौन खाएगा ही डिनर, तो कोई नहीं करेगा। और यहाँ पे चारों तरफ बस ही लगी हुई है, पीछे आप देख सकते हैं विकास ट्रैवल्स वगैरह की और भी ट्रैवल एजेंसी की बसेज हैं, और जो अभी टाइम हो रहा है करीब 2:30 बज रहे हैं, 2:45 का टाइम है। पीछे देख सकते हैं हर तरफ एसी लग्जरी बस लगी हुई हैं जो कि राजस्थान की तरफ जा रही है, कुछ और रूट पर जा रही है। अगर मैं एक बार आपको राउंड करके दिखाता हूँ तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, सफ़र बीमा पता नहीं क्या, कौन कौन से ट्रैवल्स एजेंसी है यहाँ पे। सामने आप देख सकते हैं हर तरफ बसें, और यहाँ पे कुछ भी आप खा सकते हैं अगर आपको भूख लग रही है, लेकिन इस टाइम कौन ही खाएगा, ये हमारी विकास ट्रैवल्स की लगी हुई है इधर, तो देखते हैं शायद ऊपर जाने वाले हैं अभी, मैंने तो कुछ खाया पिया नहीं, इधर होटल है आई थिंक कुछ, अगर आपको खाना हो तो आप खा सकते हैं होटल में, ये इस टाइप का होटल है। फाइनली हमारी बस निकल रही है होटल से, करीब आधा घंटा या फिर 45 मिनट का ब्रेक था, निकल गई है बस अभी ढाबा से, और स्पीड देखते हैं गाइस कितनी स्पीड से भाग पाएगी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा मॉनिटर दिख नहीं रहा कि कितनी स्पीड से भाग रही है, लेकिन फिर भी, लेकिन एक और प्रॉब्लम है अगर वीडियो बनाते हैं ना तो ऊपर नीचे बहुत होता है, आप देखना अभी बहुत ज़्यादा, जैसे ही स्पीड पकड़ेगी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, पता नहीं क्यों जैसे ही स्पीड में होती है।
सो गाइस अब सुबह हो गई है, आप देख सकते हैं करीब 6 बज रहे हैं, यानी कि 5 बज के करीब 45 मिनट हो रही हैं। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ लगा के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम राजस्थान के अंदर ही चल रहे हैं। एक बार बाहर चलते हैं, कुछ इस टाइप का व्यू दिख रहा है। मेन हाईवे तो नहीं है ये, लेकिन पता नहीं किस टाइप से ले जा रहे हैं, क्योंकि जयपुर होके नहीं गए थे हम। अगर मेन जयपुर जाते तो वही जयपुर वाला कवर होता, लेकिन पर ये तो गाइस शान एक तरह से, अगर आप राजस्थान में आ रहे हैं तो आपको ये तो जरूर ही दिखेगा, पूरी तरफ हर तरफ रेत ही रेत होता है। देखते हैं कब पहुंचते हैं। सो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं हम यहाँ पे खाटू श्याम, और मेन खाटू श्याम की पार्किंग के आसपास ही उतारते हैं बस वाले। और जो अभी का फिलहाल टाइमिंग की बात करूँ अभी तो ठीक है, आधा घंटा बस लेट है, 6:30 बजे पहुँचाया, 6 बजे का टाइम तो ठीक ठाक इतना। और अगर बस फेयर की बात करूँ मैं तो मेरी सीट का प्राइस था 450 रुपये, और स्लीपर का आप देख सकते हैं आप जब भी आते हैं 450 रुपये में ठीक था, वर्थ था। और अब सामने मौसम देख सकते हैं यार गाइस, काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो घूमेंगे शाम को, एक और सीरीज़ आएगी, तो इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस वीडियो को। थैंक यू, लाइक कर देना बाबा।